14,000 रुपए का फी सेट है यहाँ पे, अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ आसानी से मिल सकते हैं। पंखा ये 1500 रुपए का चालू है या इस पे लाइट पे? तो ये कप वगैरह भी मिल सकते हैं। कितने का सेट है? 300 की। ये कितने का सेट यार? 200 का सेट है, मतलब ये दो पीस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करने वाली भी लोग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं यूपी काबाड़ बाज़ार में। आपको यहाँ पे विजिट भी करवाएंगे और देखिए और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलते वीडियो की तरफ, वो दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और कम प्राइस में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं अंदर बाज़ार की तरफ, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो दोस्तों हम बाज़ार के अंदर आ चुके हैं, तो आप लोगों को विज़िट करवाएँ। इस तरफ परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे देसी मक्खन पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मिल रहे हैं। इस तरफ चिप्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। बजरी क्या हिसाब है? ये कम्बल शम्बल ये भी 3-4 हज़ार रुपये के हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं। मुख्तलिफ हैं, बाकी थोड़ी बहुत मुनासिब प्राइस होती है इनकी यहाँ पे। यार इसका भी कहा गया था कितने का यार? ये वारंटी वारंटी है इसकी? 1200 रुपये का है हेयर स्ट्रेटर। और ये इस्त्री कितने की है? 1200 रुपये की है। और ये 1000 रुपये लगा दूंगा, बाकी यूसर मशीन भी इसी रेट से। मुख्तलिफ प्राइस है इनकी यार। बाकी हमें कुछ लाइटें शाइटें लेनी है, वो भी देखते हैं आज मिल जाएँ लाइटें वगैरह यहाँ पे, क्योंकि पिछली बाज़ार में हम लोगों ने देखा था कि लाइटें वगैरह हम लोगों को चाहिए थी, तो हम लोगों का माइंड बन रहा था कि लाइटें ले लें। लाइटें चेक कर, ड्रोन भी पड़ा हुआ है भाई। तो यहाँ पे मीटर वगैरह पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को लेने हैं मीटर वगैरह जो टीवी वगैरह बनाने के काम आते हैं, मोबाइल वगैरह के जो चेक करते हैं फॉल्ट वगैरह, वो मीटर भी हैं और ये अक्सर ऑन होते हैं। टेबल टेनिस का बेड ये भी तकरीबन 1000 रुपये का है, ये 1000 रुपये का आता है टेबल टेनिस बेड। बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाकी ये चेयर हम लोगों ने पिछली बार आप लोगों को दिखाई थी, ये तकरीबन 1500-2000-3000 के हिसाब से फिर चेयर मिलती है। बाकी यहाँ कुर्सियाँ वगैरह मिल सकती हैं आप लोगों को, रनिंग मशीन भी है भैया। एलसीडी वगैरह टूटी हुई है इसकी, ये भी 2-3 हज़ार रुपये के हिसाब से यहाँ पर मिल सकती है। 12-13 हज़ार रुपये की वैसे मशीन होती है ये, पता नहीं सही है कि नहीं है। बोलते हैं इसको, ये चिमनी है ना जो उसके गैस के चूल्हे के ऊपर लगती है? हाँ चिमनी ये वो पड़ी हुई भाई। बाकी बेड के एसी का आउटर पड़ा हुआ है, पूछते हैं आउटर कितने का यार? इनर 0 मीटर है। इन्वर्टर का तो नहीं है ना यार? नॉर्मल है, इन्वर्टर नहीं है नॉर्मल है। 5000 रुपये का बोल रहे हैं इनर। ये कितने का है? ये इससे पूछो सही यार, ये ओने पीसी है ना? ये पीसी ओने? हाँ ओने, दिखाना जरा। आंदोलन में चार
वो सर फोटो टूप है वो उसके डब्बा खाली डब्बा है ये डीवीआर पड़ा हुआ बाकी डीवीआर पड़ा हुआ इधर और इसलिए सामान है भैया यहाँ मिल सकते हैं पंखे वगैरह भी हैं स्टैंड वाला पंखा भी है ता? ये पंखा कितने का है ये पंखा मेरा भैया चालू है कुछ चीजें बंद कुछ चीजें चालू बाबे कौम के जमाने का रेडियो वॉचेस कौन सी घड़ी की चाहिए तुझे मैं सोने का ढूंढ रहा हूँ ये मिल गया लेडीज वॉच है ये भी मेरे ख्याल में 60 रुपये 70 रुपये 30 रुपये के हिसाब से एक मतलब की घड़ी मिलती है मुझे पिछली बार मैंने पूछा था ना आ जा तो भैया ये है कि हर चीज़ यहाँ मिल सकती है आप लोगों को और आज हम लोग रेंडम बना रहे हैं वीडियो आप लोगों के लिए कोशिश करें कि हमारे काम की कुछ चीज़ यहाँ से मिल जाए बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बाकी वो गुल्फ्स वाले गोल्फ वाले जो होते हैं स्टिक होते हैं वो भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों को चाहिए यहाँ पर मिल सकती है भैया तो ये है कि ढूंढने वाले बंदों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अगर आप लोग ढूंढने आते हैं चीज़ें तो आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे जनरेटर हैं जैसे स्टेबलाइजर वगैरह हैं इस्त्री हैं मशीनें हैं और भी बहुत सारे सामान यहाँ पे बाकी शमसी वाले पंखे रखे हुए हैं चार्जिंग वाले पंखे 12 वोल्ट के जो पंखे होते हैं ये होते हैं बाकी स्पीकर हैं वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आगे फर्नीचर की मार्केट भी है वो भी आप लोगों को विज़िट करा देता हूँ मैं आज भाई कैमरा पड़ा हुआ भाई ये काश कोई DSLR वगैरह या फिर पड़ा हुआ मिल जाए मज़े बजेंगे मज़े और देख सकते हैं एक बार फिर आज विज़िट कर देते हैं कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या प्राइस चल रही है यहाँ पे भी एक प्रिंटर शेंटर पड़े हुए हैं यहाँ पे क्योंकि बर्तन पगड़ी मेरे पास रखा हुआ है इधर पावर बैंक कैमरा मिल गया ये कैमरा एक मिल गया हमें ये क्या चीज़ है ये मीटर है रक्षे वगैरह कोई मीटर हो गई अच्छा ये रक्षे का मीटर ये कैमरा है मैं चुप हूँ फोन है पैनासोनिक का किसी को फोन चाहिए तो वो आके ले सकते हैं ये भी पैनासोनिक का एक पड़ा हुआ है और यहाँ पे बर्तन वगैरह यूज में नए पुराने सारे मिलते हैं स्पीकर साइकिल और इस तरफ बेड वगैरह सोफे ये सब कुछ मिलते हैं यहाँ से
तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार यहाँ पे बेड वगैरह है, उनकी क्या कीमत है। तो बेड वगैरह है तकरीबन आपको ये कंप्लीट सेट 18,000 रुपये, 17,000 रुपये का है। बाकी जो है जितने भी आप लोग नज़र आ रहे हैं सोफ़ा सेट, ये 12 से 13,000 रुपये, 14,000 रुपये का फी सेट है। यहाँ पर अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आसानी से मिल सकता है 12 से 13,000 रुपये में फी सेट। बाकी यहाँ पर बेड वगैरह है जो रखे हुए थे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जितने भी बेड हैं ये 12,000-13,000 के हिसाब से फी बेड है, बहुत ही मुनासिब कीमत में है। यहाँ पे ये मैंने पता किया, मैं रेट आप लोगों को एग्जैक्ट रेट बता रहा हूँ कि यही रेट है इसके। सीट रूम नहीं नहीं मैं समझा आर्टिक से। तो यहाँ कंप्यूटर के हवाले से भी आपको बहुत सारा सामान मिल सकता है। अच्छा यहाँ रेट वो है कि भाई अगर 1,000 रुपये की चीज़ है तो समझो 300-350-400 रुपये में मिल जाएगी आपको आसानी से। पंखा कितने का यार पंखा? ये 1,500 रुपये का है। चालू है शमसी पे या इस पे लाइट पे बिजली पे? और छत वाला 1,500-1,200 रुपये का है। सिर्फ 1,500-1,200 रुपये के साथ आसानी से आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाएगी कम पैसों में। बाकी यहाँ पे आउटफिट वगैरह भी हैं, शर्टें हैं, आपको पैंटें मिल सकती है, शर्टें मिल सकती हैं। यहाँ पे बाज़ार है भाई किस्म का ये भी, और हर संडे यहाँ पे लगता है यूपी मोड़ सेक्टर 11D की तरफ। तो ये कप वगैरह भी मिल सकते हैं, जैसे हरिद्वार में आप लोग जाते होंगे तो बाज़ार में आप लोगों को देखने को मिलते होंगे कप वगैरह। बाकी यहाँ कुर्सियाँ वगैरह भी हैं, ये इनकी कीमत ये 1,200-1,000 रुपये से ऊपर की कीमत ही। बाकी यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ये सेट पड़ेगी, ये कितने का सेट यार? कितने का सेट ये? 300 की। ये कितने का दे रहे हो? लाइट लगी है? लाइट भी नहीं, लाइट लगानी पड़ती है इसमें क्या। ये कितने का सेट यार? 400 का सेट है, मतलब कि दो पीस आपको 400 रुपये पड़ेंगे। ये 400 के हिसाब से, वो 300 रुपये के हिसाब से, 600 रुपये के हिसाब से मुख्तलिफ प्राइस हैं इनके भी भैया। तो ये शमसी वाले मोटर वगैरह हैं, ये मैंने चेक किए हुए थे पिछली बार आया था मैं, ये सब चीज़ें चेक करके गया था मैं। और वीडियो वगैरह हमारी अच्छी लगती है तो आपको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह मिल सकता है आपको यहाँ पे, ये नहीं है कि ड्राई फ्रूट भी है भैया यहाँ पे। और गेट वगैरह 3,000-4,000 के हिसाब से फी गेट है यहाँ पे। ये लोहे के गेट हैं, 3,000-4,000 रुपये के हिसाब से फी गेट आपको मिल सकता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कीमत में, मुनासिब कीमत में। बाकी यहाँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, हमारा बंदा गुम हो गया एक। बाकी ये है कि भाई यहाँ पे पैदल चल चल के पाँव की रेट लग जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं फिर आपको जो चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यही सामान है जो हर स्टॉल पे आप लोगों को मिलेगा, ये पुरानी घड़ियाँ वगैरह, ये पुराने लैंप, गेम्स वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह सब यहाँ पे मिल सकते हैं आप लोग। ये कोई इतनी महंगी कीमतें नहीं हैं इनकी, ये 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से। बाकी एल ई डियाँ वगैरह ये तो लगभग चांस से मेरे ख्याल में बंद ही होती हैं ज़्यादातर। और ये बंद, ये पुराने टाइम की है, ये अभी काम की नहीं है। बाकी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, स्कूटी रखी हुई है और बहुत सारा आइटम रखे हुए हैं यहाँ पे, बैग हैं। तो भैया यहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ है। बाकी आज में पुराना जैसे हरिद्वार की तरह पिछले इतवार भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे भी यही सामान हम लोग को देखने को मिला था, मेरे ख्याल में सेम वही है सामान यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी मशीनें 2,500-3,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पे आसाम से मिल जाती हैं। तो ये पंखे हैं 1,200 रुपये के हिसाब से, फिर पंखा 1,300 रुपये के हिसाब से, लेकिन ये कॉपर वायरिंग में नहीं है, सिल्वर वायरिंग में था कि पिछली बार मैंने चेक किया था वहाँ के। बाकी यहाँ पे जो मेन चीज़ घूमने वाली है वो बाजार की, वो ये साइड है, तो यहाँ आपको चीज़ें मिल सकती हैं अच्छी अच्छी ये पकड़ें स्टार्ट है, मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें।
सब कुछ है। क्या सीपीओ है ये भी? ये बीसी है। सीपीओ है यार इतने से? हाँ ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस साइज के पीसी। ये कितने का है? इसमें 18,000 लगी होगी। लगा होता है, आप लोग चेक नहीं करते इसको? कौन है या नहीं ये भी नहीं पता। बारह सौ के सी पी ओ है। छोटे सी पी ओ बिल्कुल मिनी साइज के, बिल्कुल छोटे। ये है कि इसमें आप टीवी वगैरह फिल्में वगैरह देख सकते हैं, विंडो करनी है यूएसबी के थ्रू जिससे आती है। सारे ऑप्शन दिए मैंने। ये चीज़ तो बड़ी टाइट है ये। हाँ यार कहीं पे भी लेकर गए पूरी कंप्लीट चीज़ है यार। तो चेक कैसे करें आर्टिस्ट को? खोल के देखो ना इसका आर्टिस्ट। खुलेगा तो यहीं कहीं से पता होना तो लेने को मसला नहीं। चेक कैसे करें? चेक करे तो बंदा ले जाएगा। हाँ ये बात भी है। सीपीयू में भाई ये कंप्यूटर है पूरा। अब कितनी आर्टिस्ट है? हाँ ये हार्ड डिस्क और रैम हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये सिर्फ सीपीयू है छोटे साइज में। देखो यार पबजी के लिए देखो। हाँ भाई ये चेक कराने को सिस्टम नहीं है सीपीयू का? ये पीसी हाँ सिस्टम चेक कराने का इधर लाइट नहीं है यार। मेरा खुद कंप्यूटर का काम है। फ्लैट के हिसाब से उठाया क्या? हमारा भी कंप्यूटर का काम है। हाँ हमारा भी कंप्यूटर। कौन सी मार्केट में आता है? कौन सी? शीर्षा में। वहाँ तो कंटेनरों का माल आता होगा। कोई नंबर वगैरह है आपका? यो यार कार्ड है। कार्ड है क्या यार? मोबाइल। अच्छा बता दो यार नंबर बता दो। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे मैं। 0313 2626 64 984 984। क्या नाम है? जावेद भाई। ये ऑन भी नहीं किया आप लोगों ने? वहाँ पे ऑन नहीं किए? वहाँ पे ऑन बस ये निकालें और बाजार में कोई भी होता ना किसी चीज़ की वारंटी नहीं होती। नहीं मतलब कि वहाँ से आपने पर्सनली चेक नहीं किए यार कंटेनर में? तो पता क्या क्या नहीं चेक अब ये इतने सारे ये पड़े हुए हैं कि सारे अब जो बाहर से माल मंगवाते हैं ये तो नहीं कहते ना कि यार एक करके चेक कर। सही यार ये भी सही चीज़ है। ये पावर कंट्रोलर भी इसमें कैसे ये देखो ना पूरा बना हुआ इस तरीके से। ये देखो ये क्या मिल गया हमें। ये तो वो है 3-in-1 है सीपीयू का कंट्रोलर है। बाकी ये सही चीज़ है यार। इसमें सारा सिस्टम अंदर लगा हुआ है। लोटर भी होगा इसके अंदर लगा हुआ है। ये लोटर कंट्रोल कर रहा है। कितने का ये? 200 हाँ जी भाई बहुत चल। ये कैसे चेक होगा कीबोर्ड? बाकी नंबर ले लिया भाई का। इसके बाद ये छोटे छोटे सीपीयू हैं यहाँ पे। आज ये पकड़ जो पहले वाली लेट है ना जो वाली। हाँ ए
साइड में कौन सा है आईफोन वाला है? कैमरे भी यहाँ पे डी एस एल आर हो ना उठा लो यहाँ पे कंप्यूटर का सामान काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, लैपटॉप चार्जर वगैरह केबल काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। माइक पता नहीं चालू है कि नहीं है, ये माइक एक वो भी रखा हुआ है माइक। $14,000-15,000 रुपये विद मैट्रेस के साथ ये बेड मिल जाते हैं आप लोगों को, आप लोगों को मिल सकते हैं। बाकी टेबलें वगैरह भी हैं यहाँ पे और किचन बॉक्स वगैरह भी मिल सकते हैं आप लोगों को। और इनकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती इनकी, और इनकी जो प्राइस है मतलब कि आपको अगर 1,000 रुपये बता रहे हैं तो समझो कि वो 700 की मिलेगी, 600 की मिलेगी। तो यही है कि 10,000-8,000 रुपये में फी अलमारी के साथ ये जो रखी है तीन वाली, ये 10,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये बेड मतलब ये 6,000-7,000 के हिसाब से बेड हैं विदाउट मैट्रेस, अगर मैट्रेस के साथ लेंगे 10,000-11,000 रुपये के पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा सीन हो गया क्या यार, चश्मा गिर गया ना कर यार किधर भाई, भाई अली भाई का चश्मा ही गिर गया, चश्मा गिर गया, नया खरीदना पड़ेगा। किचन बॉक्स रखे हैं कितने का यार ये पूरा सेट? पूरा सेट नीचे वाला है, अरे ऊपर वाला होगा ना पूरा सेट, पूरे सेट का मतलब 1,800 का अलग है, 4,500 का अलग है, मतलब टोटल मिला के 6,000 रुपये के आसपास की हिसाब दे देंगे आपको चीज़। ये यही है कि यहाँ पे जो चीज़ बोलते हैं कि सेम वही एग्जैक्ट चीज़ नहीं होती, मुख्तलिफ प्राइस होती है इनकी, प्राइस ऊपर नीचे भी आती हैं, 5,000-4,000 की सबसे भी। यहाँ पे ये लोहे वाले अलमारी आपको आसानी से मिल सकती है, 8,000 बताएंगे लेकिन देंगे 4-5,000 रुपये में, ये बात भी है। बाकी बच्चों की साइकिलें वगैरह यहाँ पे वो भी आप लोगों को आसानी से मिल सकती हैं, प्राइस भी बहुत मुनासिब होती है। ये भी 2,000-2,500 रुपये के हिसाब से, 3,000 रुपये के हिसाब से मुख्तलिफ साइकिलें हैं, एग्जैक्ट इसकी यही प्राइस है भाई, इससे ऊपर की प्राइस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ लेना आते हैं तो इनकी यही प्राइस है, 2,500-3,000 के हिसाब से। तो ये बैग्स वगैरह हैं 500-400 रुपये के हिसाब से, बाकी जो वो बैग रखे हुए हैं वो वहाँ पे महंगे मिलते हैं, नए की भी ज़्यादा प्राइस है, 1,200-1,500 के हिसाब से फिर बैग मिलते हैं वहाँ पर। बाकी ये था जो इतवार बाज़ार है जिसे चोर बाज़ार कहते हैं, लेकिन चोर बाज़ार नहीं है ये, संडे कबाड़ बाज़ार है, यहाँ पर हर संडे लगता है यूपी मोड़ से ट्रेल एमएनडी की तरफ। अगर आप लोग आते हैं विज़िट करते हैं तो ज़रूर आइए, आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे, ढूंढने से मिलता है। जितना हम लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ें काम के दिए थे, छोटे लैपटॉप और छोटे पीसी वगैरह हम लोगों ने आपको दिखाए हैं, वो बड़े काम की चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं अपना 10,000-12,000 रुपये की चीज़ें यहाँ पर 3-4,000 रुपये आसानी से मिल सकती है। तो आज की वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारी पसंद आएगी, वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएँ। अली भाई का चैनल, अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं हर संडे, जब भी टाइम मिलता है मतलब कि डालते रहते हैं वीडियो और अच्छी वीडियो बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।